ओम शांति। हम सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। फरिश्ते अर्थात बहुत हल्के, इसलिए स्वभाव संस्कार हल्के करो, सरल बनाओ। संबंध संपर्क में एक दूसरे से बहुत हल्के सरल चित्त हो जाएं। कटुता भरी रहती है संबंधों में। अगर हम इस संसार में 1 लाख गृहस्थियों का सर्वे करें तो पाएंगे अनेक समस्याएं केवल कुछ मनुष्यों के कटु संस्कारों के कारण परिवारों में उत्पन्न होती है। लेकिन वो मनुष्य कभी नहीं समझते कि उनके कटु संस्कार या उनका क्रोध का संस्कार परिवार को तोड़ रहा है। यदि इस मनुष्य ये समझ ले कि वो कहाँ जिम्मेदार है उसके परिवार की समस्याओं का, और मनुष्य अपने को चेंज करने का संकल्प कर ले, तो सचमुच ये खेल कुछ और हो जाए। तो आइए आज इस धारणा पे विशेष ध्यान दें और इसको अपने जीवन में समाएं कि हमारे स्वभाव संस्कार सरल हों, क्रोधी नहीं, जटिल नहीं, कटु वचन बोलने वाले नहीं, सरल, एक दूसरे को सुख देने वाले, एक दूसरे को प्रेम बांटने वाले, सद्भावनाएं बांटने वाले। तब हम दूसरों को भी बहुत कुछ दे सकेंगे और पारिवारिक जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा। संबंध और संपर्क, मनुष्य हमेशा ही संबंध संपर्क में है। इसमें जटिलता, संस्कारों का भारीपन एक दूसरे को भारी कर देता है। पति नहीं चाहता पत्नी से बात करूं, पत्नी नहीं चाहती सास से बात करूं, सास बहू से दूर जाती रहती है। संबंधों में हम बहुत सरल हो जाए, एक दूसरे से इतना प्यार हो, ओपन रहें एक दूसरे से और सहज भाव से कार्य करें और कराएं। सहज भाव से दूसरों की बातें सुनना, सहज भाव से ही बोलना, ये परम आवश्यक है। मनुष्य क्या सोचता है कि मैं जो कहा वो होना ही चाहिए, तुमने क्यों नहीं मेरी बात सुनी, तुम सदा ही ऐसा ही करते हो, ये सहज भाव नहीं है। सोचो, हम क्या भगवान की सारी बातें सुनते हैं? वो हमें रोज कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, हम उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। अच्छा लगता है और भूल जाता है, मनुष्य जैसे का तैसा ही रह जाता है। हम संपर्क में भी, चाहे वो दूर के हों, नजदीक के संपर्क हों, हल्के हो जाएं। और हल्के आत्मा की निशानी है, एक ने कहा दूसरे ने माना। इससे परिवार में सौहार्द प्रेम रहता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, एक कहे और हम कहे नहीं ये नहीं होगा, तो बड़ा कठिन होता है। ठीक है, कहीं कहीं दूसरे की बात गलत हो सकती है, जिसको मानने से सब कुछ बिगड़ सकता है, वहाँ सहज भाव से वो बात क्लियर कर दें तो दूसरा व्यक्ति भी संतुष्ट होगा और अवश्य ही समझेगा। परंतु कई बार ऐसी भी बातें आती हैं कि ये व्यक्ति हमारी बात समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। ऐसे में जरूर संबंधों में दूरी बनती है। इसलिए संबंधों को स्वीट बनाने के लिए एक दूसरे की बात सुने अवश्य, भले ही बातें सुनकर उसको करेक्ट करें, वो भी सहज भाव से। इस भाव से नहीं कि जो करेक्शन मैंने दी उसको अपनाना ही चाहिए। बात आपकी सत्य भी हो सकती है, लेकिन सत्य बोलने के साथ यदि बोलने के मैनर्स रॉयल नहीं है, सत्य बोलने के साथ यदि पीछे स्वमान की शक्ति नहीं है, तो हमारा सत्य कमजोर रहता है और दूसरे लोग उसे स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं। तो आज सारा दिन
हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा ये देह छोड़कर जा रही हूँ बाबा के पास। उसको टच किया, उसकी किरणें ली, स्वयं में बाबा की शक्तियां भरकर मैं आत्मा वापिस आ गई अपने देह में। ये शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने के लिए ये दिल हर घंटे में 5 बार हो जाए, एक ही साथ 5 बार, बहुत सुखद फीलिंग होगी। ओम शांति।